प्रदेश की भाजपा सरकार हिमाचल के लोगों के हितों पर खरा नहीं उतर पाई है। इस सरकार ने मात्र जनता की भावनाओं से खिलवाड़ किया है। ये बात सोमवार को बिलासपुर पहुंचे कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश प्रमुख अनुराग शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। अनुराग शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में स्वास्थ्य घोटाला, फॉरेस्ट घोटाला, पुलिस भर्ती पेपर लीक घोटाला, जनमंच घोटाला, जल शक्ति विभाग का पाइप घोटाले के अलावा अन्य घोटाले हुए हैं। सरकार ने विकास कार्य को कोई तवज्जो नहीं दी। उन्होंने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार के कार्यकाल में महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है। पुलिस भर्ती घोटाले से तो देश ही नहीं बल्कि विश्व भर में भी प्रदेश की साख गिरी है। वहीं उन्होंने कहा कि हाईकमान से सेवा दल के कार्यकर्ताओं पर अधिकारियों को लेकर भी टिकट की वकालत की जाएगी। सेवा दल के पदाधिकारी समाज सेवा के क्षेत्र में भी बेहतर कार्य कर रहे हैं। वही हाईकमान से बेहतर कार्य करने वालों को लेकर वकालत की जाएगी। जागो हिमाचल सद्भावना यात्रा का आगाज 20 अगस्त 2022 को राजीव गांधी जी की जयंती पर शिमला से हम लोगों ने इस यात्रा को शुरू किया है। आज 9वां दिन है। हम जनजातीय क्षेत्र होते हुए मंडी मनाली होते हुए पिछली शाम को जो है बिलासपुर जिले में पहुँचे हैं और आज सुबह इसका आगाज सर्किट हाउस से कांग्रेस की पार्टी के कार्यालय से हमारे यहाँ के पूर्व मंत्री रहे विधायक रामनाथ ठाकुर जी ने इस यात्रा को झंडा दिखाते हुए आगे रवाना किया और पूरे बाजार में इस यात्रा को दिखाया गया। इस यात्रा का उद्देश्य ये है कि पिछले 5 वर्षों में जयराम की सरकार ने किसी भी वर्ग को जो है वो किसी भी तरह की सहायता पहुँचाने में, विकास पहुँचाने में वो नाकाम रही है, पूरी तरह से वो नाकाम रही है। और हम इस यात्रा के तहत चाहे हम सरकार में वो युवा की विरोध में रही है, बेरोजगारी इतनी बड़ी है, महिला विरोधी रही है, किसान विरोधी रही है, बागवान विरोधी रही है, कर्मचारी विरोधी रही है, मजदूर विरोधी रही है, ऐसा कोई भी पक्ष जो है इन वर्गों के लिए नहीं उठाया। और एक घोटाले की बहुत बड़ी लिस्ट जो है हिमाचल की सरकार ने पिछले 5 वर्षों में हमारे हिमाचल के नागरिकों को दी है, चाहे पुलिस भर्ती घोटाला है, स्वास्थ्य घोटाला है, खाद घोटाला है, पेपर खरीद घोटाला है, पाइप घोटाला है, इन्वेस्टर मीट घोटाला है, जनमंच घोटाला है। तो सरकार में किसी भी वर्ग को जो है वो किसी भी तरह का विकास के आयाम को देने में नाकाम रही है। इन चीज़ों को लेकर जो है हम आम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता से आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि अब जागिए, आप जागने का समय आ गया है। आने वाला फिर जो समय है एक विकास की गाथा से लिखा जाएगा। जो पूर्व में कांग्रेस की सरकार ने, पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरेंद्र सिंह जी ने जो कार्य किए हैं, ये सरकार तो उन कार्यों को भी पूरा नहीं कर पाई है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार ने किस तरह से पूरे प्रदेश को एक ये कमीशन एजेंट के रूप में जो है वो दलाली की है और बहुत करोड़ों रुपये के जो घपले जो किए हैं और जनता इससे त्रस्त है। और इसी बात को लेकर हम धरातल पर पंचायत स्तर तक जा रहे हैं।